बीजेपी देश की सारी संपत्ति अपने खरबपति मित्रों को दे रही है। अडानी के बीजेपी से कनेक्शन को लेकर सवाल तो पहले से ही उठ रहे थे कि अब कोयला घोटाले को लेकर अडानी ग्रुप बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में दुनिया भर के 21 संस्थानों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद ये मामला देश ही नहीं विदेश में भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोयला आयात में संभावित घोटाले को लेकर अडानी अब चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने मामले में सवाल तो उठाए ही थे कि अब विश्व स्तर पर इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। 21 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने सीजीआई को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने कोयला आयात मामले की जांच तेजी से निपटाने की अपील की है। दरअसल हाल ही में मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज खराब गुणवत्ता वाले कोयले को भारत में महंगे ईंधन के तौर पर बेच रही है। इस रिपोर्ट ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हड़कंप मचा दिया है। कम से कम 21 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों ने न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा इंडोनेशियाई कोयला आयात के कथित ओवर वैल्यूएशन के मामले की जांच कर रहे लंबित मामले को तेजी से निपटाए। संगठनों ने कहा कि वे जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं। इस चिट्ठी ने भारत पर मामले में जांच प्रक्रिया को तेज करने का दबाव बना दिया है, तो वहीं अडानी समेत मोदी सरकार भी संकट में नजर आ रही है। मामले में कांग्रेस ने अडानी और मोदी सरकार दोनों पर ही सवाल उठाए थे, और अब इन आरोपों से कैसे बचेगा अडानी ग्रुप, ये देखने वाली बात होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।